हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरी चैनल हर्षुक श्री पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मांगरोड़ तालुका के आजक गांव का विरासत वृक्ष रुखड़ा के बारे में जानेंगे। इस विरासत वृक्ष को गुजराती में रुखड़ा कहते हैं, हिंदी में गोरखसिंच, अंग्रेजी में बाओबाब ट्री, और इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम एडानसोनिया डिजिटाटा है। इस पेड़ के कई नाम है, बोतल ट्री, भूतिया पेड़, चोरामलो, गोरख अम्ली, गोरख इमली के नाम से भी जाना जाता है। आस्था के प्रतीक समान इस पेड़ को दुर्लभ माना जाता है। इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 15 मीटर और चौड़ाई 30 फुट जितनी है। यह पेड़ 500 साल पुराना है। खेड़ क्षेत्र की बहुमूल्य विरासत है। इस पेड़ की छाल 4 से 6 इंच मोटी होती है। इस पेड़ की छाल को काटकर गोंद निकाला जाता है और जानवरों के शरीर पर घाव भरने के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अलावा छाल का उपयोग रस्सी, चटाई, कागज और कपड़े बनाने के लिए होता है। यह पेड़ की छाल भूरे रंग की होने की वजह से चांदनी रातों में चमकती है, इसीलिए यह भूतिया पेड़ भी कहा जाता है। यह बाओबाब ट्री अफ्रीका के मेडागास्कर, भारत, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। भारत में देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश राज्यों में देखा जाता है। गुजरात में जूनागढ़ भवनाथ जाने के रास्ते में गिर सोमनाथ के गोरखमढ़ी, भावनगर के सरतानपुर और कच्छ जैसे स्थानों पर ये बाओबाब ट्री देखने को मिलता है। गुजरात में कई जगहों पर होंगे। दर्शक मित्रों, अगर ये आपके आसपास के क्षेत्र में यह पेड़ होने की जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट कीजिए, ताकि बाकी लोगों को पता चले कि गुजरात में कहाँ कहाँ ये बाओबाब ट्री है। इस बाओबाब ट्री में सफ़ेद फूल होते हैं। यह फूल रात में खिलता है और 24 घंटों तक ही रहता है, ऐसी एक मान्यता है। बाओबाब ट्री के फल पपीता जैसे होते हैं। इस फल में नारंगी से 5 गुना ज़्यादा विटामिन सी और टैट्रिक एसिड होता है। यह फल बहुत महंगे होते हैं। इस फल का आइसक्रीम, जैम, चॉकलेट्स, फेस क्रीम और दवाइयाँ बनाने में उपयोग होता है। वेदों और पुराणों में गोरखसिंच पेड़ का उल्लेख है। इतना ही नहीं, महाभारत में भी उनके बारे में जानकारी दी गई है। गोरखसिंच की लकड़ियों को ऋषि मुनियों अपने हवन में यूज करते थे। यह पेड़ का मूल निवास अफ्रीका का मेडागास्कर माना जाता है। 500 साल पहले अरब व्यापारियों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में लाया गया था। मेडागास्कर का यह राष्ट्रीय पेड़ है। अफ्रीका के एक बाओबाब ट्री में 1.5 लाख लीटर पानी का रिसाव हुआ था। कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इस बाओबाब ट्री की उम्र 3000 साल से 4000 साल तक हो सकती है। बाओबाब ट्री का तन्ना बहुत बड़ा होता है, बहुत मोटा होता है। इसके बड़े तनों में वर्षा जल को अवशोषित करने और संग्रहित करने की क्षमता होती है। तन्ना के अंदर गुहाओं के कारण बड़ी मात्रा में पानी जमा होता है। अफ्रीका के लोग बाओबाब ट्री का तन्ने से पानी निकालकर उसमें बस स्टैंड, बियर बार, शौचालय और दुकानें बनाते हैं। इस पेड़ की जड़ को देख रहे हो आप? इस जड़ के नीचे से सरकने से खांसी चली जाती है, ऐसी एक मान्यता है। साइंटिफिक रिपोर्ट पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार अफ्रीकी बाओबाब पेड़ में 168 गुणसूत्र पाए गए हैं, जो भविष्य में आनुवंशिक अध्ययन, संरक्षण और कृषि उद्देश्यों के लिए अहम जानकारी दे सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। आभार।